बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीसा विसदी वेसली अमरी वालुदा तुम लिसानी यफकू कोली। अस्सलाम नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल एस्पायरिंग स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं एक मरगला हिल्स के अंदर एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट विस्पिंग पाइन्स के नाम से जाना जाता है और ये मरगला हिल्स के अंदर हाईलैंड रिजॉर्ट है उसके बिल्कुल साथ करके है। आज मैं आपको वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स पर अवेलेबल हैं वो आपको बताऊंगा, उसकी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। उस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, मैं आपको एलसीडी स्क्रीन के ऊपर भी लेके जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी शेयर करता हूँ, साथ साथ मैं उसका एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो नाज़रीन, जब आप पेशावर को क्रॉस करके आप आगे जाते हैं ये आप देखिए बड़ा जबरदस्त खूबसूरत लश ग्रीन एरिया है ये सारा। अभी ये हम डायनो वैली के पास से गुजर रहे हैं, मैंने जरा इसको स्पीड भी चलाया हुआ था ताकि मेन टॉपिक पे मैं जाके बात कर सकूं। नाज़रीन, ये जहाँ मैं अभी इसको रोक रहा हूँ, जो सामने की पहाड़ी के ऊपर मैं रोक के और जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये विस्पिंग पाइन है और यहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इसके अंदर की डिटेल्स वहाँ पे दिखाऊंगा। ये इस जगह से, यहाँ से ये लेफ्ट को विस्पिंग पाइन की तरफ ये ऊपर रास्ता जा रहा है। राइट को अगर हम जाएंगे तो ये सीधा आपका पाइन सिटी की तरफ निकल जाएगा, लेफ्ट को जाएंगे तो आप यहाँ पे विस्पिंग पाइन की तरफ यहाँ पे चल जाएंगे। इस जगह से ये इस एरिया के खूबसूरत सा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप पूरा एक व्यू देख सकते हैं। ये सामने विस्पिंग पाइन के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिधर से हम लोग आए थे, ये सामने वाले जो रोड था यहाँ से हम लोग आए थे इधर से, और ये उसके अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत व्यू है इसका। यहाँ लोग आते हैं, स्टे करते हैं और वीकेंड्स के ऊपर आमतौर पे यहाँ पे फैमिलीज आके स्टे कर रही होती हैं। इसी तरह से ये इसके अंदर के जो डिफरेंट हिस्से आपको यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो नाज़रीन, अभी मैं जो अपार्टमेंट है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 2 बेड अपार्टमेंट है यहाँ पे। ये इसके लाउंज के अंदर आ गए, ये लाउंज का एरिया है, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं ये, साथ ये ओपन किचन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर, और इसके साथ ये 1 बेड है। इसके अंदर आप देखिए बैल्कनी से इसका व्यू, बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ सामने, कबर्ड जो है। तो ये इसके अंदर जो एक वॉशरूम है वो आप देखिए, जो फिर यहां से निकले ये बाहर वापस है, ये किचन आपको दिखा रहे हैं दोबारा से, और अब ये सेकंड जो रूम है उसके अंदर आ गए। ये सेकंड रूम का ये कपड़ वगैरह और साथ ये वॉशरूम। तो नाज़रीन, यहाँ पे विस्विंग पाइंस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ चंद अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल।
और इसके अंदर जो अभी इस वक्त मेरे पास ऑप्शंस आए हैं, ये 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 900 स्क्वेयर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर 2 बेड है, साथ लाउंज है, साथ किचन है और अटैच बाथ के साथ हैं दोनों जो रूम्स हैं। और ये आपको अवेलेबल हैं इस वक्त जो उनकी डिमांड है वो 65 लाख डिमांड कर रहे हैं। और आपके साथ जो विस्पिंग पाइन की मैनेजमेंट है उसके साथ आपका एग्रीमेंट होगा, 5 साल का रेंटल एग्रीमेंट होगा, 5 साल तक आपको इसका मंथली रेंट पे किया जाएगा और ये एनुअली 10% इसके अंदर इंक्रीमेंट होती है। इस वक्त जो रेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 44,010 पे कर रहे हैं और यह आपको ये मंथली एक अच्छी रेंटल इनकम यहाँ पे मिलती रहेगी। फिर आपके पास मंथ के अंदर 2-3 नाइट्स अगर आप खुद जाके स्टे करना चाहें तो आपके लिए फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड इसमें की गई है। तो नाज़रीन ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो चाह रहे थे कि यार हमें कोई ऐसी हमारी प्रॉपर्टी हो कि जिसमें हमें रेंटल इनकम भी आती रहे और हम ऐसे इन्वायरमेंट को इस खूबसूरत से जगहों के ऊपर जाके हम स्टे भी कर सकें, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसके अंदर नाज़रीन हमारे पास ये मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आते रहते हैं, कभी 1 बेड का ऑप्शन आ जाता है, कभी 2 बेड का ऑप्शन आते हैं, रीसेल के अंदर ये आ रहे होते हैं। तो आप कभी भी इसके अंदर कोई अगर कुछ चीज़ परचेज करना चाहें, सेल करना चाहें, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो विस्मिंग पॉइंट के वाले से अगर आप कुछ भी और जानना चाहेंगे आप हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आखिर मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सब दोस्तों को देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।